वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आज सुबह से ही व्लॉग बनाना शुरू कर रही हूँ और यहाँ पे मेरी मशीन ख़राब हो गई है तो मैकेनिक आए हुए घर पे। मैकेनिक साहब पता नहीं क्या हो गया मशीन में, उसका शटर खोल के ले जा रहे ताकि हम दूसरा चेंज कर सकें। तो यहाँ पे जो है हीरो तैयार हो रहे हैं, अभी इन्होंने ओवर एक्टिंग करनी है थोड़ी देर के लिए। अभी परफ्यूम लगा रहे हैं मेरा चोर के। हाय गाइस, मैं जा रही हूँ स्कूल। ये तुम्हारी ये लगती है अब नेम स्लिप? वो ले गया सरदार का, वो बना गया ना उस जैसे कोर्स के। ड्यूटी जा रहे आज, ये शिमला जा रहे। ओह, चश्मा तो दिख भी नहीं रहा है आपका इसमें। ठीक है, बाय बाय, जा रही मैं अब, है ना? ओके बाय। यहाँ पे आंटी बना रहे उपले, मम्मी भी है यहाँ पे खड़े हुए धूप सेक रहे हैं। भाभी जी तो जलाते भी है इसी को ही, हमारे तो करते हैं ऐसे मच्छर वगैरह के लिए यूज ना। हाँ फिर उस और मेरे हस्बैंड जो है वो अभी शिमला गए हैं, ड्यूटी उनकी नाइट में, पहले घर आ लेके फिर उसके बाद वापस ड्यूटी जाएंगे। अभी वो किसी काम से गए, मैं भी करूंगी अपना कुछ काम जो भी होगा। वैसे आज काम कुछ भी नहीं है क्योंकि आज है, क्या है, आज मंगलवार है तो मंगलवार को कपड़े भी नहीं धुलते हैं और भी कोई काम नहीं है। मशीन मेरी ख़राब है तो मैं सिलने का भी कोई काम नहीं कर सकती। अपना नहाना धोना करूँगी, उसके बाद रेस्ट करूँगी। फिर नहीं काम है वैसे, शाम को डिनर देना है उनको तैयार करके, क्योंकि नाइट ड्यूटी है तो खाना भी बनाना है। वो मैं दिन में बनाऊँगी 2-3 बजे ताकि शाम तक वो बासा ना हो जाए। यहाँ पे शायद चोरी हो रहा है, अंकल जी शायद चोरी कर रहे हैं। यहाँ पे कोई नहीं है घर में, इन्होंने तो देखा कि मैं सोचा मैं का सब चले गए, मैं का चोरी करते हैं। निकाल दिया शायद पर बाल्टी में, दोनों बक्सों से निकाला। अरे इसमें नहीं था ही नहीं, खा दिया इन्होंने। तब आपको नहीं खाया इन्होंने? इन्होंने कान में रुई डाली है ताकि कान में ना जाए मऊ। खा दिया इन्होंने। अरे अभी तो अंकल जी ने बांधी थी चुन्नी मुंह में, मेरे को दिखाई नहीं बेटा, फिर दिखाई नहीं ना, तब खोलनी पड़ी। ये दिखाओ दे, शहद इसमें से निकालेंगे भाई। दिखाई नहीं रहा, अब दूसरा बक्सा अब साफ करना पड़ेगा ना। अच्छा दो बक्से हैं ये? तीन है, ये तीन पड़ी है। बेचते अंकल जी शायद, किसी को शायद लेना हो तो 800 रुपए किलो है। 800 रुपए किलो ले जाए। रेट पूछ लो पहले अंकल जी से, ऐसे कैसे डिक्लेयर कर दे आप? बता तो दिया रेट 800 रुपए, तो क्या बता ज्यादा हो अंकल जी, निकाल डालने ज्यादा पैसे, पैसे अंकल जी के पास। अरे अंकल जी ने यहाँ से सीढ़ियाँ लगाई हुई है ऊपर। खाना आपने? हाँ ना, मैं खाती। देखना देखना देखना। तो चलिए गाइस अब बना लेते हैं लंच, और उनके लिए डिनर भी पैक करना है तो मैं साथ में ही बना रही हूँ, क्योंकि हमने लंच के लिए भी नहीं बनाए थे, सुबह हमने परांठे बनाए थे इसलिए लंच के लिए भी सब्जी अभी बना रही हूँ मैं। तो मैंने तड़का वगैरह लगाया, और वो भी शिमला से आ गए थे। वैसे वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक जाम हुआ हुआ था क्योंकि राष्ट्रपति जो है आज शिमला में आए थे, इस वजह से रोड भी बंद थे। हाय गाइस, आज है नेक्स्ट डे और आज हम जा रहे हैं घर। अचानक से हमारा घर जाने का प्लान बना है तो हम अभी घर जा रहे हैं। मैं सुबह से लेके वेट कर रही हूँ, मैं तैयार होके बैठी हूँ, उनका वेट कर रही हूँ। कल वो शिमला जो गए थे ना काम के लिए, तो वो आधा अधूरा काम करके ही आए थे, फिर वो दोबारा से आज सुबह गए, अब वो आएंगे फिर हम घर जाएंगे। मेरे को ना यहाँ बैठे बैठे नींद आ रही है, अब फोन जला जला के मेरी आंखें खराब हो गई, आंखों में दर्द लगने लग गई है मेरे को। तो गाइज आ चुके हैं, इन्होंने खाना खा लिया और अब हम निकलेंगे घर की तरफ। तो अब आपको घर में जाके मिलते हैं। रास्ते में हमने शॉप से थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान ले लिया था क्योंकि हमारे गांव में घर के आसपास कहीं पे भी शॉप नहीं है, इसलिए पहले ही हम साथ ले जाते हैं ताकि हमको वहां पे प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद हम पहुंच गए थे घर पे। गाइस हम लोग ना घर में पहुंच गए हैं और अभी हम लोग पहुंचे हैं चाचू के घर में। यहाँ पे हमने ये टेबल ले जाना है नीचे,
और मैं नया सूट पहन के आई हूँ, इसलिए आई थी मैं नया सूट पहन के, ताकि आप मेरे को टेबल उठवाओ। तो मेन रीज़न जो था ना हमारा घर आने का, वो ये था कि फ़ैन लगवाने हमने घर में, वो लाए हुए तो काफ़ी टाइम से है लेकिन उसको लगाने का टाइम नहीं मिला। पिछली बार भी हम आए थे फ़ैन लगवाने ही आए थे, पर उस टाइम जो लगाने वाले थे उनको कुछ काम पड़ गया था, उस वजह से हम फिर से आए हैं। अब आज तो शायद वो आएंगे ही आएंगे, तो ये टेबल हम लेके जाएंगे नीचे। हवा खाने के लिए कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। मेरे को नहीं खानी हवा। मम्मी उठाओ, मम्मी से बोलना मैंने कुछ, फोन ऑन करो। मम्मी मेरे से टेबल उठवा रही है। देख लो, आपकी बहू से काम करवाया जा रहा है इधर। गाइज मैं आपको जगह बता देती हूँ जहाँ से हमने टेबल लेके जाना है। ये सीढ़ियाँ नीचे देख रहे हो आप वहाँ, और मैं घर दिखाती हूँ अपना कि हमने कहाँ पर लेके जाना है। नीचे जहाँ पे पिलर दिखाई दे रहे उधर तक लेके जाना, और इतना बड़ा टेबल है ये। तो सबसे पहले हम जो सामान लाए हैं ना घर से, दही वगैरह, वो खाली करेंगे। पानी भी लाए थे हम घर के रास्ते से, क्योंकि यहाँ पे पानी सही नहीं होता। और हम लाए थे ये पैन का ही कुछ सामान है, दही लाए थे, थोड़ा सा दही लाए हैं, और एक मैंगो लाए थे घर से, आटा भी लाए थे हम। वो सब चीज़ें निकाल के रख देते हैं यहाँ पे। यहाँ पे मैं बनाने लगी हूँ चाय। जो पंखे लगाने के लिए आने वाले थे वो आ गए हैं, तो उनके लिए भी चाय बना रही थी, और फिर हमारे लिए भी, सबके लिए ही मैंने साथ में बना दी। और इस बार जो है मम्मी नहीं आए हैं, क्योंकि मम्मी को थोड़ा काम था, वो अपने काम से कहीं गए थे। बाहर ना एकदम से ही बारिश लग गई है। तो गाइस यहाँ पे जो है पंखे जॉइंट कर रहे हैं अभी, यहाँ पे लगना है हॉल में। भैया वाले रूम का जो फैन है वो चल पड़ा है, बढ़िया ठंडी ठंडी हवा दे रहा है। फैन से वो सारे लग चुके हैं, और बाहर ना बारिश भी बार बार आ रही है, बार बार जा रही है। और फैन में आपको एक बार दिखा देती हूँ, तो जो ये बाहर वाला रूम था इसमें पॉइंट नहीं था किसी कारणवश, तो यहाँ पे ये जो है इसको अलग से लटकाना पड़ा। अब ये थोड़ा डाउटफुल भी रह सकता है। वैसे उन्होंने बोला है कि नहीं इतना जल्दी तो नहीं ऐसा कुछ भी होता है। यहाँ पे बहुत सारा कचरा वगैरह मैंने थोड़ा सा इकट्ठा किया है और थोड़ा सा फैला हुआ है। बाकी ये जो धूल वगैरह हुई है ना, ये तो हम कल ही क्लीन करेंगे, क्योंकि कल सारी सफाई झाड़ू वगैरह सब कुछ करके फिर ही होगा, क्योंकि अभी तो शाम होगी। अब बाहर बारिश भी ठीक ठाक हो रही है अब। और वो गए हैं बाइक लेके कुछ सामान लाने, बारिश भी लग रही है, पता नहीं अब भीगते भीगते आएंगे। आज हम बनाने वाले हैं मूंग दाल की खिचड़ी। मेरे को मन कर रहा था खिचड़ी खाने का, तो मैंने सोचा कि खिचड़ी बना लेते हैं। दाल को उबाल लिया, और खिचड़ी हम तभी बनाएंगे जब खाना होगा, क्योंकि फिर ठंडी हो जाती है, फिर अच्छी भी लगती है। तो गाइज आज के लिए इतना ही, आज के ब्लॉग में यही एंड कर रही हूँ। मिलती हूँ आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।